तहसील स्पिनवा में मकामी ब्रिगेड कमांडर ने काबिल खेल के मलिक मशान से मुलाकात में कुरम तंगीर डैम के मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील और मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने पर तबादला ख्याल किया। लंडी कोतल में कमांडेंट खैबर राइफल्स की जेर सदारत सुल्तान खेल के मलिक मशान पर मुश्तमिल जिरगे में इलाके में पायदार अमन के लिए मुस्बत और काबिल अमल तजावीज पर बातचीत की गई। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लाहौर के जवानों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी ब्रिगेड कमांडर ने पाक फौज की तरफ से इन खानदानों के साथ इजहार यकजहती और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। सेंट्रल कुरम के इलाके पारा चमकनी में अस्करी हुकाम और मलिक मशान के माबेन जिरगे में इलाके में सिक्योरिटी उमूर में बेहतरी के लिए खसूसी इकदामात पर मशावरत की गई। बरवान में मकामी विंग कमांडर ने इलाके के नौजवानों से मुलाकात में नौजवानों में मुस्बत सोच के फरोग और मकामी लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इकदामात पर रोशनी डाली। सिक्योरिटी फोर्सेज के तआवुन से लोई सलमान की 200 खवातीन को अपने घरों में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए पोल्ट्री पैकेजेस तकसीम किए गए। तहसील दत्ताखेल के इलाके खड़कमर में मकामी यूनिट कमांडर मंजर खैर और गलमाई कबीले के मलिक मशरान पर मुश्तमिल जिरगे में ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम से मुतालिक गलत फहमियाँ और मकामी लोगों की नकल मकानी के मुतालिक जारी मनफे प्रोपेगेंडे पर बातचीत की गई। अहमदवाम में अस्करी हुकाम ने तरीफ फरीदी और बलोच कोट के मायदीन से मुलाकात में इलाके में अमन की फिजा को बरकरार रखने और लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम पर मशावरत की। खैबर के इलाके मस्ताक और संडाना में सिक्योरिटी फोर्सेज के जेर एहतमाम मुनक्किदा 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप्स में 900 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज और मुआवजे की सहूलियत फराहम की गई।